हेलो फ्रेंड्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में अपना लेसन नंबर 6 अम्लीय एवं लवण प्रभावित मृदाएं डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज बात करेंगे अपन चूने का मृदा पर प्रभाव क्या होता है। पिछली क्लास में अपन ने चूने के कारण मृदा में क्या परिवर्तन हुए थे उनको अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पढ़ा था। आज अपन बात करेंगे कि अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए अपन किसको मिलाते हैं, चूने को मिलाते हैं। चूना मिलाने के बाद में मृदा में क्या प्रभाव होते हैं, मृदा की क्वालिटी में क्या सुधार होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये कुछ बिंदु है, इनके माध्यम से अपन चूने का मृदा पर क्या प्रभाव होता है कि चूना वास्तव में मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए। क्लियर? तो देखिए बेटा, पहला है आपका भारी मिट्टी की संरचना क्या हो जाती है, दानेदार हो जाती है। अगर अपने पास में अपने खेत की जो मृदा है वो भारी है और वो अम्लीय है और उसमें अपन ने क्या मिला दिया, चूना मिला दिया, तो उसमें अपन को फायदा होगा। वो भारी मिट्टी क्या हो जाएगी, दानेदार हो जाएगी, और दानेदार होगी तो अपनी फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा। दूसरा बिंदु है मृदा का स्थूल घनत्व कम हो जाता है, मतलब वो दानेदार हो जाएगी, मोटे मोटे अगर कण होंगे तो क्या हो जाएंगे, बारीक हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, मृदा अंतःस्पंदन क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। आंतरिक जो उसकी संरचना है उसमें क्या अवशोषण करने की क्षमता, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। इससे पानी की भी इनफिल्ट्रेशन दर रेट, अगर अंदर से अगर वो किसी को खींचने की क्षमता अधिक रखेगी तो पानी को क्या करेगी, वो अधिक अवशोषित करेगी, उसको बोलते हैं पानी की अंतःस्पंदन की दर। इससे क्या होता है, मृदा का अपरदन कम होता है। अब मृदा का अपरदन कम होगा तो पौधे को मृदा अधिक मिलेगी, और जितनी ज्यादा ज्यादा नहीं, आवश्यकता के अनुसार मृदा में अगर पौधा रहेगा तो उसकी वृद्धि क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट है आपका, इस कारण से वायु और जल संचार में क्या होता है, सुधार होता है, क्योंकि पौधे की अच्छी वृद्धि व विकास के लिए पौधे में वायु एवं जल का संचार समय समय पर सही तरीके से अगर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, फसल का उत्पादन बढ़ेगा। तो चूना मिलाने से जो मृदा है उसमें वायु जल संचार में क्या होता है, सुधार होता है। अब देखिए बेटा, अपन किसमें मिला रहे हैं चूना, अम्लीय मृदा में मिला रहे हैं, तो अम्लीयता क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब H प्लस आयनों की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और चूना मिला रहे हैं तो OH माइनस के अंदर सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, और pH के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि क्षारता बढ़ेगी तो pH बढ़ेगी, अम्लता कम होगी तो pH का मान कम हो जाता है। तो यहाँ क्या बढ़ रहा है, OH माइनस, मतलब क्षारकता बढ़ रही है, मतलब pH का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है FeAlMn, आपको ध्यान है ये तीनों क्या है, अम्लीय आयन है, क्या ये पिछली क्लास में बताया था आपको, अम्लीय आयन है। इन अम्लीय आयनों की विलयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इनके जगह कौन से Ca और Mg जो क्षारीय धनायन है, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम, इनकी क्या होती है, विनिमय क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर? तो वहां पर क्या होगी, क्षारीयता में वृद्धि होगी। फॉस्फोरस और मोलिब्डेनम, क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फोरस और मोलिब्डेनम की पौधे को प्राप्यता उपलब्धता में क्या होती है, वृद्धि होती है। पोटेशियम पौधों के पोषण को क्या करता है, बढ़ाता है, जो एक प्रभावशाली कारक है आपका। क्लियर? दूसरा है आपका, कार्बनिक पदार्थों का विघटन बढ़ जाता है, वायु जल का संचार बढ़ रहा है, मृदा की संरचना क्या हो रही, दानेदार हो रही है, तो इससे मृदा में उपस्थित जितने भी सूक्ष्म जीव है उनका विघटन दर क्या होगी, विघटन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इससे क्या होगा, पौधों को नाइट्रेट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के विघटन से क्या होता है, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, अमीनीकरण, ये सारी क्रियाएं होती है, तो उनको क्या मिलेगा, उसमें नाइट्रेट पौधे को ज्यादा मिलेगा, उससे उसकी पौधे की वृद्धि ज्यादा होगी।
सूक्ष्म जीवों की सक्रियता में वृद्धि होगी तो ये बात है कार्बनिक पदार्थों का विघटन होगा, नाइट्रेट ज्यादा मिलेगा। लास्ट अपने पास में अमीनीकरण, अमोनीकरण, सल्फर का ऑक्सीकरण, इसकी बात करेंगे। चूना मिलाने से अमीनीकरण, अमोनीकरण और सल्फर का ऑक्सीकरण बढ़ जाता है, जिससे दो महत्वपूर्ण क्रियाएं कौन सी, नाइट्रीकरण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इनकी वृद्धि होने से पौधे को क्या मिलता है, अच्छा पोषण मिलता है और फसल का उत्पादन क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। इस तरह से चूने मिलाने से अपन को एक तरह से कहें तो पौधे के फायदेमंद प्रभाव ज्यादा होते हैं, ना कि नुकसानदायक। परंतु अगर चूना अधिक मात्रा में मिला देंगे तो वो पौधे के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। तो अपन चूना कितना मिलाना है जिससे उसकी अम्लता कम या समाप्त हो जाए, उतना ही चूना मिलाना है। तो उस कंडीशन में ये सारे बिंदु जो अपन ने पढ़े हैं वो सारी चीजें पौधे को मिलेगी, पौधे को मिलेगी तो उसका वृद्धि विकास अधिक होगा और फसल का उत्पादन ज्यादा होगा। क्लियर, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारे बिंदु आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।